एसडीआरएफ की महिला जवान साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने के लिए रवाना। एसडीआरएफ एक देवदूत की भूमिका निभा रही है, तो वहीं एसडीआरएफ के जवान देश विदेश की एक नई पहचान बना रहे हैं। कुछ दिन पहले एसडीआरएफ के जवान राजेंद्र नाथ ने साउथ अफ्रीका के तंजानिया देश में सबसे ऊंची चोटी किमजारो को फतह कर उत्तराखंड पुलिस के साथ प्रदेश और देश का मान बढ़ाया, तो वही महिला आरक्षी प्रीति मल्ल भी देश का मान बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुई है, जिन्हें आज एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस का झंडा देकर रवाना किया। देश का नाम रोशन करने निकली उत्तराखंड पुलिस एसडीआरएफ की जवान प्रीति मल्ल ने कहा, यह उनके लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड पुलिस की पहली महिला जवान विदेश की महत्वपूर्ण चोटी को फतह करने जा रही है और उम्मीद करती हूँ मैं इस पर खरी उतरूंगी। इससे पहले भी उनके द्वारा भारत की माउंट गंगोत्री जैसी महत्वपूर्ण चोटी को फतह करने का गौरव प्राप्त है, जो कि उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव की बात है। नवभारत समाचार डोईवाला से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। माउंट गंगोत्री गई थी अभी अपनी एसडीआरएफ टीम के साथ और अभी मैं विदेश जा रही हूँ, तो मतलब मैं अपने आप को मानती हूँ गौरवशाली कि मैं उत्तराखंड पुलिस की प्रथम महिला जो विदेश यात्रा पे मतलब किलिमंजारो को फतेह करने के लिए जा रही है। बड़ी उपलब्धि है कि हमारे राज्य पुलिस और एसडीआरएफ ने मेरे पे इतना विश्वास जताया और मुझे वहाँ पर फतेह करने के लिए भेज रहे हैं। एसडीआरएफ के एक जवान राजेंद्र नाथ, अभी कल ही उन्होंने डबल सबमिट किया है किलिमंजारो का, जो कि अफ्रीका में है, और इसके बाद एक एसडीआरएफ की महिला आरक्षी प्रीति मल्ल भी किलिमंजारो पर सबमिट करने के लिए जा रही है। हम सभी एसडीआरएफ वालों की शुभकामनाएं हैं प्रीति मल्ल को कि वो सफलतापूर्वक अपने इस अभियान को पास करें और सबमिट करके यहाँ सकुशल वापस आएँ।